लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी के निवास पर पहुंचे शिक्षक, किया हंगामा, इस बात को लेकर थे नाराज अजमेर। पंचायती राज एवं शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के अजमेर स्थित निवास पर जैसलमेर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र के कुछ शिक्षकों ने हंगामा करते हुए नाराजगी जताई। आक्रोशित शिक्षकों ने देवनानी पर स्थानांतरण नहीं करने का आरोप लगाया। गंज थाना पुलिस ने शिक्षकों को शांत किया। वहीं देवनानी ने शिक्षकों से समझाइश कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। अजमेर में संत कंवरराम कॉलोनी स्थित शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव के निवास पर रविवार सुबह जैसलमेर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र के शिक्षक पहुंचे। उन्होंने स्थानांतरण नहीं करने एवं समस्या समाधान नहीं होने को लेकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर गंज थाना पुलिस देवनानी के निवास पहुंच गए। बाद में देवनानी ने भी शिक्षकों से बातचीत कर समझाइश कर उन्हें शांत किया। देवनानी ने बताया कि शिक्षकों में स्थानांतरण नहीं होने को लेकर नाराजगी थी, जिसे बातचीत कर शांत कर दिया गया। अनावश्यक टिप्पणी कर विलंब नहीं करें। उधर अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय श्री माली ने अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने 1 अगस्त को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियों की प्रगति रिपोर्ट देखी। उन्होंने दीक्षांत समारोह भारतीय संस्कृति के अनुरूप आयोजित करने के निर्देश दिए। श्री माली ने कहा कि उच्च अधिकारी विश्वविद्यालय कर्मचारियों व छात्र हितों से जुड़ी पत्रावली पर अनावश्यक टिप्पणी कर विलंब नहीं करें। पत्रावली को बेवजह लंबित करने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में निर्णय किया गया कि सहायक कर्मचारी से लेकर आचार्य प्रोफेसर तक के ग्रुप इंश्योरेंस की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा। कई कर्मचारी नहीं मिले। कुलपति ने सुबह 11:30 बजे विभिन्न विभागों की उपस्थित पंजिका को देखा तो लगभग 25 कर्मचारी अनुपस्थित थे। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिना सूचना के कोई अधिकारी कर्मचारी अपनी सीट नहीं छोड़े। थे सतर्कता अधिकारी नियुक्त पूर्व अध्यक्ष ललित के पनवार ने वर्ष 2015 से 16 में एक नई परिपाटी शुरू की थी। उन्होंने परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त IPS बहादुर सिंह राठौड़ को सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया। राठौड़ के नेतृत्व में प्रदेश में कुछ अन्य सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को भी कामकाज दिया गया। इसके अलावा पनवार ने पूर्व सदस्य के इल बेरवाल को भी आयोग में बतौर सलाहकार नियुक्त किया। कामयाब नहीं हुई थी व्यवस्था। पनवार द्वारा नियुक्ति अधिकारियों के नेतृत्व में एकाध प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, लेकिन व्यवस्था खास कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में सलाहकार और सतर्कता अधिकारी की नियुक्तियों पर ही सवाल खड़े हो गए। ऐसे में इनकी सेवाएं लेने का औचित्य नहीं रह गया, लिहाजा राठौड़ और बेरवाल वापस चले गए। लेंगे सिर्फ प्रशासनिक सहयोग, आयोग ने नाकामयाब प्रयोग से सबक लिया। पिछले साल हुई बड़ी परीक्षाओं में किसी सलाहकार अथवा सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। साल 2018 में आयोग को 18,000 से ज्यादा भर्तियां करनी है, लिहाजा आयोग सिर्फ सभी 33 जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य सरकारी मशीनरी के सहयोग से ही परीक्षाएं कराएगा। यह करानी है भर्तियां माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के 1,200 कॉमर्स सहायक सांख्यिकी अधिकारी 101 पद पर भर्ती करानी है। इसी तरह आरए सेवा अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती -2018 के तहत 75 RS 34 RPS सहित कुल 405 पदों पर भर्ती होगी। अधीनस्थ सेवा के लिए 575 पदों पर भर्ती की जाएगी। जनवरी स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में सहायक अभियंता सिविल के 225, सहायक अभियंता यांत्रिकी विद्युत के 74 पद, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 307 पद सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक, महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी, राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 675 के तहत समूह अनुदेशक सर्वे सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रुप द्वितीय और राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती सेवा -2018 और अन्य।